नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हो खबर तहलका। आज हमारे साथ सतीश राज देसवाल, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आज उनका गांव रामपुरा में आना हुआ है, आइए उनसे बात करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार जी, हम लोग अपने गांव में आए हैं। एक तो हमें जो हमारे शहीद हुए हैं 45, उनके लिए हमने श्रद्धांजलि सभा रखी दी है। ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम था तो हमने उनको याद किया, कुछ देर मौन रखा अपने उनके शहीदों के लिए, और एक मैसेज देने का प्रयास है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनको एक समाज को में दिशा देने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स केवल जो है ना 1% हैं, 99% गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे लोगों को पॉजिटिविटी समझाएं, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपना स्टंट चला रखे हैं ये बताएं लोगों को क्या ठीक है क्या गलत है, उसी में हम लोग लगे हैं। सर, काफ़ी समय से हम भी देख रहे हैं कि बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ करा, अब ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आप राजनीति में आ गए? आप देखिए, मैं 2005 से बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, और 15 अगस्त को मेरे गांव में एक प्रोग्राम हुआ था जहां पे ये बात डिसाइड की गई मेरे गांव ने और आसपास के समाज के लोगों ने कि आप जैसे लोगों को यहां आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं आएंगे ये इसी तरह से चलता रहेगा। आप यहां देखिए कि भी जो पुराने सांसद हुए हैं उन्होंने क्या काम किया है, क्या वो अपने समाज की सोचते हैं, क्या अपने समाज को दिशा देने के लिए सोचते हैं। समस्या क्या है कि हम सामाजिक लोगों को आगे आना पड़ेगा, और ये 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखी गई कि समाज में से कुछ सामाजिक लोग चुन के आएँ और वो उनकी सरकार में भागीदारी हो, उनसे सरकार बने, उससे देश चले, जिससे वो समाज का दुख दर्द समझते हैं। तो मैं समाज में रहा हूँ, मैंने समाज का मालूम है, हमारे बच्चों का भविष्य का मालूम है, हमारी शिक्षा व्यवस्था का मालूम है, ITIs का मालूम है, हमने सब चीज़ें देखी हैं। इसलिए प्रयास है कि क्यों ना अपनी जो चीज़ें देखी हैं इनको हम लोग लोकसभा में जाके उठाएं, अपने समाज को दिशा देने के लिए काम करें, और ये प्रयास है कि एक व्यवस्था बनाने के लिए। अदरवाइज तो ये तो फिर वही सिस्टम जो चला आ रहा है, आपके सामने स्थितियाँ, कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कितनी सारी समस्याएँ हैं आपके सामने। सर, काफ़ी समय से पहले, सर एक सबसे बड़ी बात, लोग आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, फिर आप कोई क्यों वोट दें, आप कोई क्यों